पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन जो है एक रूल के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन किया जा सकता है। रूल मतलब नियम है ना, तो रूल के अकॉर्डिंग मतलब फंक्शन को यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शन एक प्रकार का रूल होता है तो या एक लॉ होता है। क्लियर, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मान लीजिए ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए ये रूल जो है ना वो एक सेट से दूसरे सेट की ओर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेट कौन सा लिया है, ये ऐसा माना है मैंने कि सेट ए से वो सेट बी की ओर जा रहा है। क्लियर है, तो अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ अ रूल और मेथड और करस्पॉन्डेंस बाय विच एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इसका मतलब देखिए क्या है कि एक ऐसा रूल या एक ऐसी मेथड या एक ऐसी करस्पॉन्डेंस जिसके अकॉर्डिंग हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि सेट बी का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए सेट ए से, सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। ओके, अगर सेट बी के हर एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब जो ए अगर सेट ए का हमने कोई एलिमेंट लिया है और अगर वो सेट बी के किसी एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए सेट बी का। ऐसा नहीं कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, और सेट बी लिया 1, 4, 9, 16 और 25। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या कर रहा हूँ कि सेट ए के एलिमेंट्स का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे सेट बी के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जैसे देखिए 1 का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 1। ओके, तो 1 का स्क्वायर करके मुझे क्या मिल रहा है, 1। बी का एलिमेंट क्या क्या मिल रहा है, 1। ए एलिमेंट सेट ए का जो सेकेंड एलिमेंट है 2, उसका मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला, 4। 3 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 9। 4 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 16। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी से रिलेट कर रहा है। देखिए सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे सेट बी का एक एलिमेंट 25 भी है जो इन एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि सेट ए का हर एलिमेंट रिलेट करना चाहिए या एसोसिएट होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। ओके, उसके बाद जो सेकंड है कंडीशन वो भी देखिए सेटिस्फाई करता है। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मीन्स कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए बी के। जैसे देखिए 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं है कि वो 4, 9, 16 या 25 से भी हो गया। सिमिलरली 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 से ही एसोसिएटेड है, 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 से ही एसोसिएटेड है, 4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 16 से ही एसोसिएटेड है। तो हम ये देखते हैं कि डेफिनेशन में ये दो कंडीशंस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो मतलब ये जो आपने ये जो रूल जो डिफाइन किया है वो फंक्शन नहीं है। ओके, देखिए पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक रिलेशन के तौर पे हम फंक्शन को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन को एक रूल की तरह डिफाइन किया गया है, राइट? वो क्यों किया जाता है मैं आपको ये भी एक जो लास्ट में जो वीडियो बनाऊंगा इसका, जब हम पढ़ेंगे फंक्शन एज अ मैपिंग, तो उसमें आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि क्यों हम इसको अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूँ सेकेंड एग्जाम्पल में, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया है 1, 2 और 3 और बी के एलिमेंट्स लिए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ए के एलिमेंट्स का क्यूब कर दूँ तो मुझे बी के एलिमेंट्स मिलते हैं, वो ऐसा मैंने रूल बनाया है। जैसे यहाँ पे रूल क्या बना था कि मुझे एलिमेंट कैसे मिल रहा है स्क्वायर करने पे, ऐसे मैंने यहाँ पे रूल क्या बना दिया कि मुझे एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं क्यूब करने पे। तो देखिए 1 का अगर अगर मैंने 1 का क्यूब किया तो मुझे क्या मिलता है, 1।
टू का क्यूब किया तो क्या मिलता है, 8। 3 का क्यूब किया तो मुझे क्या मिलता है, 27। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है सेट बी के एलिमेंट को, और साथ ही साथ में एक यूनिक एलिमेंट को क्या कर रहा है, वो एसोसिएट कर रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक रूल है जो कि फंक्शन है। सिमिलरली अगर इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड हैं। अगेन जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर हम यहाँ पे कि ए के एलिमेंट्स का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें बी के एलिमेंट्स मिलते हैं, राइट। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। अगेन 1 का स्क्वायर क्या आएगा, ये भी होगा 1। कहने का मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो एलिमेंट्स जो हैं, ए के दो एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि वो यूनिक एलिमेंट है जिससे रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि -1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही रिलेटेड है, बाकी 4, 5, 8 में किसी से भी रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली ये 1 जो है वो सिर्फ 1 से ही रिलेटेड है, 4, 5, 8 में से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। अगेन हम -2 की अगर बात करें तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, राइट। तो ये -2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 से ही रिलेटेड है। अगेन ये जो 2 है ये भी किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ 4 से ही रिलेटेड है, ना 1 ना 5 ना 8 किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो कहने का मतलब हम देखते हैं ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। हाँ हम देखते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद में एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब आप ये देख सकते हैं कि -1 यूनिक एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, 1 यूनिक एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, -2 यूनिक एलिमेंट 4 से रिलेटेड है, 2 यूनिक एलिमेंट अगेन 4 से रिलेटेड है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ये जो रूल है, ये भी क्या है, एक फंक्शन आता है आपका फंक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स प्लस 10, मतलब यहाँ पे ए के एलिमेंट्स को मैंने 10 से ऐड किया तो मुझे बी के एलिमेंट मिल रहे हैं। देखिए जैसे 0 प्लस 10 मैंने किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 10। इसका मतलब 0 इज़ रिलेटेड टू 10। अगर 1 प्लस 10 करता हूँ तो क्या मिलता है, 1, 11, सॉरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 इज़ एसोसिएटेड विथ 11 और 2 प्लस 10 मतलब 12। तो हम ये देख सकते हैं कि 2 इज़ एसोसिएटेड विथ 12। सिमिलरली 3 प्लस 10 13, तो 3 इज़ एसोसिएटेड विथ 13। तो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, और सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये भी रूल क्या है, एक फंक्शन है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, देखिए कि 0, 1, 2, 3 मैंने लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये ए और बी का क्या मैंने किस टाइप से रिलेशन बनाया एलिमेंट का, कि मुझे एक्स -10 करने पे बी का एलिमेंट मिल रहा है। मतलब सेट ए के हर एलिमेंट को -10 करने पे मुझे बी का एलिमेंट मिल रहा है। तो 0 -10 क्या हुआ, -10। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 इज एसोसिएटेड टू -10। 1 -10 इज -9, हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 इज एसोसिएटेड टू -9। 2 -10 कितना आएगा, -8। सिमिलरली 3 -10 कितना आ रहा है, -7। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हर एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेट ए का क्या हो रहा है, हर एलिमेंट एसोसिएट कर रहा है बी के एलिमेंट से, और साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि एक यूनिक एलिमेंट से ही वो एसोसिएट कर पा रहा है, ओके। जैसे 0 है वो सिर्फ -10 से ही एसोसिएट हो रहा है, -9 -8 -7 से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये भी रूल क्या हमारा कहलाएगा, एक फंक्शन। इज दैट क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ एक एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर मैंने यहाँ पे सेट ए लिया है और ये सेट बी लिया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 और -1 क्या हो रहा है, एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है। 2 और -2 ये भी एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे हैं। √2 और -√2 ये भी एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे हैं, और 3 और -3 ये भी एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रूल सेट ए को सेट बी से रिलेट कर रहा है वो क्या है, एक फंक्शन है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि 1 जो है
मतलब अगर ये मैंने दो सेट लिए हैं, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा था, सेट ए और सेट बी की, यहाँ पे दो मैं सेट ले रहा हूँ, सेट सी और सेट डी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है वो साइमल्टेनियसली दो एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, सेकेंड सेट से, सेकेंड सेट के एलिमेंट से फर्स्ट सेट का एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, देखिए दो एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, यहाँ पे नाइन भी दो एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, अगेन थ्री भी दो एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो रूल जो सेट सी को सेट डी से रिलेट कर रहा है वो रूल फंक्शन नहीं कहलाया जा सकता, क्लियर। और हम अगर इसको एक सेट के फॉर्म में देखें, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके ऑर्डर पेयर बना लिए, जैसे वन जो है वन का ऑर्डर पेयर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट वन सेकेंड एलिमेंट वन, अगेन जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है फर्स्ट एलिमेंट माइनस वन सेकेंड एलिमेंट वन, तो ऐसे ही अगर मैंने ये ऑर्डर पेयर इसके बना लिए तो हम ये फर्स्ट डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन से फंक्शन है कौन से नहीं। आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है हर ऑर्डर पेयर में देखिए अलग अलग है, लेकिन जो सेकेंड रिलेशन है आपकी, देखिए हर एलिमेंट जो है वो, देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो ऑर्डर पेयर जो हैं उसमें ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दोनों कॉमन आ गए हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन भी पढ़ी थी एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जब हमने फंक्शन को पढ़ा था, तो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हम पढ़ते हैं फंक्शन एज अ रूल या फंक्शन एज अ मैपिंग पढ़ें या इसको फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ें, ये तीनों का जो मीनिंग है वो निकल के सेम ही आता है, हालांकि उनको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग रहता है, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो हमारा सेम निकल के आता है, क्लियर। तो हमने आज इस वीडियो में देखा है कि फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रूल होता है जिसमें दो कंडीशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जा रहे हैं, सेट ए टू सेट बी जा रहे हैं, तो हमारा सेट ए फर्स्ट कहलाएगा और सेट बी हमारा सेकंड सेट कहलाएगा। अगर हम फ्रॉम बी टू ए जा रहे हैं तो हमारा सेट बी जो है वो फर्स्ट सेट कहलाएगा और सेट ए जो है वो सेकंड कहलाएगा, क्लियर। जिसमें ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हर एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकेंड सेट के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट से एसोसिएट हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो फर्स्ट सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेकेंड सेट के एलिमेंट से किसी ना किसी कम एक एलिमेंट से क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। और जो सेकेंड हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक यूनिक एलिमेंट से ही रिलेट होना चाहिए, मतलब हमारा एक ही एलिमेंट ऐसा होना चाहिए सेट बी का जिससे वो रिलेट हो। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एक से ज़्यादा एलिमेंट से ये हमारा फर्स्ट सेट था और ये हमारा सेकंड सेट था, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट के जो सेट हैं सब तो एसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं, इसीलिए हमारा फंक्शन नहीं था, क्लियर। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे फंक्शन, हमने देखा कि एक स्पेशल टाइप का रूल के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को कैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ मैपिंग के थ्रू फंक्शन को कैसे पढ़ा जाता है।